राजस्थान में चुनावों के दौरान जोधपुर जिले के फलौदी का सट्टा बाजार सटीक आकलन करता आया है। ऐसा माना जाता है कि फलौदी सट्टे बाजार का आकलन काफी हद तक सही होता है। हाल ही में सट्टा बाजार के एक सटोरिए ने एक नेशनल टीवी चैनल की रिपोर्टर से बातचीत की। इस बातचीत में सटोरिए ने ये बताया कि सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी का भाव 25 पैसे का चल रहा है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस का भाव 3.5 से 4 रुपए चल रहा है। इस ओर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका भाव जितना कम होता है वह उतना ही ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है। तो इससे साफ है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पाव ज्यादा मजबूत है। सटोरियो के मुताबिक सट्टा बाजार भाजपा को 122 से 124 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस के 62 से 65 सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सट्टा बाजार में भी पिछले एक सप्ताह में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी थी, लेकिन पीएम मोदी की रैलियों के बाद कांग्रेस के भाव बढ़ गए हैं, यानी मोदी की सभाओं और रोड शो के बाद कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो गई है। सट्टा बाजार के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और गहलोत के कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं। सटोरियों का आकलन है कि कांग्रेस के ऐसे 12 से 15 नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हारने वालों में शामिल हैं। साथ ही कई प्रमुख नेता ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत है। मजबूत स्थिति वाले नेताओं में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, दिव्या मदेरणा, सचिन पायलट, सतीश पुनिया, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर और राजेंद्र राठौर शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया हो और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हो, लेकिन सट्टा बाजार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने का भाव 1 रुपया चल रहा है। सट्टा बाजार ने ये भी आकलन किया है कि यदि वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वे कांग्रेस के गुट के साथ भी सरकार बना सकती हैं और इसमें अशोक गहलोत उनकी पूरी मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर 12 से 15 सीटों पर बागी प्रत्याशियों की जीत होने के दावे भी किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में क्या सट्टा बाजार का आकलन सही साबित होता है या नहीं। अगर ऐसा रहा तो राजस्थान में हर बार सत्ता का परिवर्तन होने का रिवाज कायम रहेगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।